wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la, it's true la la la, ooh I should be running, ooh you know. Hey guys, I'm Vasudev and you're watching Mix with Vasudev. So first of all, a big shout out to Akshit, Aditya and Naman for guessing the right answer. If you also want to vote in my quiz, then you can add me up on Instagram. The link is in my description. So today we will discuss that we should start our mix with EQ start or then compression. And we will listen to both cases and difference. So let's begin. तो आज जिस प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे ये विपाशा का प्रोजेक्ट है. दिस इज अ कवर ऑफ सेन्योरिटा और ये मैंने लास्ट वीक के अराउंड प्रोड्यूस किया था. तो मैं एक बार मिक्स विंडो खोल देता हूँ सो दैट आप लोगों को बेटर आइडिया लगे कि मैंने क्या किया है. तो ये हमारे दो आइडेंटिकल वोकल ट्रैक्स है जहां पे पहले मैंने एक में EQ अप्लाई किया है और एक में मैंने वही सेम सेटिंग के साथ कंप्रेशन किया हुआ है. एक बार इस ट्रैक को प्ले करने से पहले थोड़ा सा समझते हैं कि एग्जैक्टली EQ और कंप्रेसर करते क्या है इन शॉर्ट, क्योंकि अगर आपको इन दोनों की डिटेल्ड एप्लीकेशन देखनी है तो मैंने दोनों पे एक एक वीडियो बनाया है, आप लोग वो चेकआउट कर सकते हैं. तो अगर हम EQ को देखें तो EQ जो है वो आपकी टोन को शेप अप करने में हेल्प करता है, क्लैरिटी देने में हेल्प करता है. एंड रिमेंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो EQ है वो आपके डायनेमिक्स को ऑल्टर नहीं करता. नाउ टॉकिंग अबाउट द कंप्रेसर, तो कंप्रेसर क्या करता है? कंप्रेसर का मेन काम तो है आपके डायनेमिक्स को फिक्स करना, लेकिन वन वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कंप्रेसर इज दैट इट ऑल्सो गिव्स यू अ टोन. तो हर कंप्रेसर की अपनी एक टोन होती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये लॉजिक का स्टॉक कंप्रेसर है और यहां पर भी अगर आप ध्यान दें तो यहां पर भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कंप्रेसर प्रेजेंट है. तो इसमें क्या डिफरेंस है? ऑल दो सब डायनेमिक्स को तो चेंज करते ही हैं, लेकिन एक ऐसी चीज जो सब में अलग है इज द टोन, इज द कलर दैट दे गिव टू द साउंड. तो आपकी साउंड को एक ऐसा कलर देना, एक ऐसी टोन देना, वो भी कंप्रेसर का काम है. तो देखिए इससे हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर आपका कंप्रेसर आपकी टोन भी चेंज कर रहा है तो दैट मीन्स ऑब्वियस है कि वो आपकी फ्रीक्वेंसीज को भी चेंज करेगा. तो यहां से हम एक चीज तो ऑब्जर्व कर ही सकते हैं कि जो आपका EQ है वो आपकी फ्रीक्वेंसीज को ऑल्टर करता है, वेयर एज योर कंप्रेसर इट ऑल्टर्स योर फ्रीक्वेंसीज एज वेल एज डायनेमिक्स भी चेंज करता है. एक बार हम दोनों ट्रैक्स को सुनते हैं एक एक करके. Now what I'll do is I'll play the track और मैं बीच में दोनों को स्विच करता रहूंगा ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता चले कि दोनों में क्या फर्क है. एक में हमने EQ पहले किया है और एक में हमने कंप्रेशन पहले किया है. So let's listen to it. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la. It's true la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you know I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la. It's true la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you know. Right. तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है तो बहुत अच्छी बात है. सो जो लोग ये डिफरेंस नहीं देख पाए दे कैन लिसन टू द ऑडियो वंस अगेन और मैं बताऊंगा यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है. तो व्हेन वी स्विच द वॉइसेस, तो जिसमें हमने सबसे पहले EQ किया है आपको रियलाइज हो रहा होगा कि वो आवाज थोड़ी सी पतली आ रही है. तो उसका रीजन देखो क्या है. कंप्रेशन क्या करता है? कंप्रेशन एज वी डिस्कस्ड आपकी डायनेमिक्स को भी स्क्वॉश करता है एंड आपकी फ्रीक्वेंसीज को भी ऑल्टर करता है. तो उससे क्या होता है, आपकी साउंड थोड़ी सी थिक हो जाती है. तो अगर हम फर्स्ट केस डिस्कस करें तो वहां पे हो क्या रहा है, हमने सबसे पहले EQ डाल के अनवॉन्टेड फ्रीक्वेंसीज को हटाया. तो अनवॉन्टेड फ्रीक्वेंसीज हटाने का बेनिफिट क्या हुआ कि हमारे पास एक स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक रीजन है जो कंप्रेशन में जा रहा है. तो उस वजह से जो कंप्रेसर है वो सिर्फ इन फ्रीक्वेंसीज को ऑल्टर कर रहा है और आपके ओवरऑल डायनेमिक्स को ऑल्टर कर रहा है. वेयर एज जो सेकंड केस है, सेकंड केस में क्या हो रहा है, क्योंकि हमने पहले कंप्रेशन डाला है तो उसने ओवरऑल वोकल्स जिसमें आपकी मट भी थी, जिसमें आपकी अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज भी थी, उनको भी अफेक्ट किया, उनको भी कंप्रेस किया, उनको भी फैट कर दिया. एंड देन अगर उसके बाद हमने EQ डाला सबट्रैक्टिव, उसने क्या किया, आपकी साउंड को थोड़ा और क्लीन कर दिया. सो अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो तो जो फर्स्ट ट्रैक है वहां पे हमारे वोकल्स थोड़े ब्राइट, थोड़े क्लियर साउंड कर रहे हैं. एट द सेम टाइम जो सेकंड ट्रैक है वहां पे थोड़े से थिक साउंड कर रहे हैं वोकल्स. सो देखिए अगर हमें जज करना होता है एक इंडिविजुअल ट्रैक के बेसिस पे तो डेफिनेटली मैं यही बोलता कि जिसमें EQ हमने सबसे पहले किया है वो बेटर साउंड कर रहे हैं. नाउ कमिंग टू द एक्चुअल आंसर, तो देखिए जो एक्चुअल आंसर है वो आपको पता चलता है व्हेन यू आर लिसनिंग टू द ट्रैक विद म्यूजिक. म्यूजिक के साथ आपको पता चलता है कि आपको क्या वोकल टेक्सचर चाहिए, कैसे वोकल्स चाहिए. बिकॉज जरूरी नहीं है कि अगर एक एलिमेंट मिक्स में अच्छा साउंड कर रहा है वो इंडिविजुअली भी अच्छा साउंड करे. तो इसका फिक्स आंसर क्या होना चाहिए, तो
तो देखिए इसका फिक्स आंसर यही है कि डोंट गो टू मच इनटू थ्योरी, ज्यादा थ्योरी में मत जाओ, ज्यादा फॉर्मूले मत ढूंढो, जस्ट रिलाय ऑन योर ईयर, बिकॉज आपका कान ही आपको बताएगा कि एग्जैक्टली क्या साउंड कर रहा है अच्छा, बिकॉज इन दी एंड हमें एक अच्छी साउंड से मतलब है। इट डजेंट मैटर आप EQ पहले यूज कर रहे हो या कंप्रेसर पहले यूज कर रहे हो, वॉट मैटर्स इज कि आपका ओवरऑल आउटपुट अच्छा साउंड कर रहा है, आपके मिक्स में जो वोकल्स हैं या कोई भी ऑडियो ट्रैक है वो अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। सो अगर मैं आप लोगों के साथ अपना केस शेयर करूं तो देखिए मेरे साथ भी कोई एक स्पेसिफिक रूल नहीं है, काफी टाइम ऐसा होता है मैं पहले EQ यूज करता हूँ, काफी टाइम मैं पहले कंप्रेशन यूज करता हूँ। तो मैं आपको रीजन बताता हूँ, व्हेन आई गेट द ऑडियो फाइल्स टू मिक्स तो मैं सबसे पहले उन ऑडियो फाइल्स को सुनता हूँ और चेक करता हूँ कि उनकी रिकॉर्डिंग कैसे हुई है। तो अगर उनकी रिकॉर्डिंग बहुत खराब हुई है, मेरे को सुन के पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज हैं यहाँ पे और जो कंटेंट है वो अभी अपनी 50% क्लैरिटी पे भी नहीं है, तो सबसे पहले मैं EQ करता हूँ, साउंड शेप अप करता हूँ। एट द सेम टाइम इट डिपेंड्स अपॉन द म्यूजिशियन, अगर एक एमेच्योर म्यूजिशियन है तो उसके डायनेमिक्स कंट्रोल नहीं होते तो वो चीज सबसे पहले चुभती है मेरे को ऑडियो में। सो व्हाट आई डू इन दैट केस इज मैं कंप्रेसर को पहले डाल देता हूँ। तो देखिए देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, आप दोनों चीजें ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, बट इन दी एंड आपका मोटिव यही होना चाहिए कि आपका ट्रैक ओवरऑल अच्छा साउंड करना चाहिए। कितनी बार ऐसा भी होता है कि मैं कंप्रेसर से स्टार्ट करता हूँ, फिर एक EQ डालता हूँ, फिर दोबारा कंप्रेशन डालता हूँ, फिर शायद एक EQ डालता हूँ। उसका रीजन यही है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम EQ से स्टार्ट कर रहे हैं तो EQ ने आपकी साउंड क्लीन तो कर दी, लेकिन जैसे आपने कंप्रेसर डाला डेफिनेटली आपकी टोन में कुछ चेंज आया। नाउ इफ दैट टोन इज बेटर देन द प्रीवियस वन, लेकिन उस टोन में आपकी मड और अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज वापस ऊपर आ गई, तो यू हैव टू पुट अनदर EQ टू कंट्रोल दैट। सो दैट इज द रीजन, ये जरूरी नहीं है कि हम या तो EQ से ही स्टार्ट करें या तो कंप्रेशन से ही अपना मिक्स स्टार्ट करें। यू कैन स्टार्ट विद एनी ऑफ देम, बट व्हाट मैटर्स इज इट शुड साउंड गुड एंड उसके अपार्ट आपका कंटेंट मिक्स में अच्छा साउंड करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा हो, आप लोगों को मजा आया हो। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है उसको नीचे कमेंट कर दो, और अगर आप चाहते हो कि मैं अपना अगला वीडियो किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बनाऊं तो उसको भी लिख डालो। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, चीयर्स, ऑल द बेस्ट।